अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे अजीज़ दोस्तों को खुर्शीद गोट फार्म से सलाम। काफ़ी मेरे अजीज़ दोस्तों की फरमाइश होती है खुर्शीद भाई कोई हीरा और नगीना लेकर आए। आज एक हीरा और नगीना लेकर आया हूँ, किसी के नसीब में होगा तो इसकी मालूमात बताऊँगा और इसकी उम्र भी बताऊँगा और ये कौन से बकरे का है ये भी बताऊँगा, तो वीडियो के साथ रहना। तो एक बात लाजमी मैं कहता हूँ हर वीडियो में, तो जो मेरे भाई मेरी सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियो बड़े शौक से देखते हैं और उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। तो मेरे प्यारे भाई ये देखें बच्चा प्योर चीज़ बनने वाली, तो असल की ते नकल की मेरे भाई पहचान करें। हर वीडियो में मैं कहता हूँ असल की ते नकल की पहचान करें। असल की पहचान यह है इसका नकोड़ा देखें तोते वर्गा और कान गुलाब के जैसे फूल होते हैं और जान मुलायम रेशम की तरह और दुम्ब देखें माशाल्लाह। कम से कम आपको बता रहा हूँ कम से कम 9 से 10 इंच। तो मेरे भाई आज एक बात और भी बताऊंगा जो शौक बड़े शौक रखते हैं बड़े कानों का, ये देखें माशाल्लाह कान देखें और कान का। और एक बात और भी बताऊंगा आज ये गाना उतार कर दिखाऊंगा इसकी झालर कैसी है ये कैसा बनेगा। मेरे प्यारे भाई ये होते हैं हीरे और नगीने और पहचान करें असल की ते नकल की। ये चीज़ गानी उतार कर दिखा रहा हूँ और इसकी झालर के लिए ये देखें वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी के नसीब में होगा मेरा भाई, ये देखें ये जितना भी और बड़ा होगा उतना ये झालर निकालेगा। झालर देखें ये चीज़ माशाल्लाह बनने वाली चीज़ ये है तोहफा। और गंदम खिला कर दिखाऊँगा सब भाइयों को, काफ़ी मेरे अजीज दोस्त कहते हैं खुर्शीद भाई चला कर और फिरा कर जानवर लाजमी दिखाएं गंदम निकाल दें। ये देखें ये शेर का बच्चा ये गंदम खा रहा है, अब ये चला कर भी दिखाता हूँ। वीडियो बड़े शौक से देखनी है, ये देखें आप उतरे ये चीज़ ये इसलिए चला फिरा कर दिखा रहा हूँ मेरे भाई। तो दोस्तों के साथ मेरा वादा था और चला कर फिरा कर दिखाऊंगा ये कौन सी नस्ल का है, नस्ल के बारे भी बताऊंगा, तो ये कौन से बकरे का है और इसकी पीछे नस्ल भी बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई इस बकरे की 4 माह उम्र है और ये बकरा मशहूर तरीन बकरा जो हमारे ज़िले राजनपुर का था रहीम दिशकानी साहब उसके बकरे का ये बच्चा है। तो ये रहीम दिशकानी का बकरा और सुहेल महार का बकरा और जितना भी बकरे हैं इधर राजनपुर के प्योर ब्रीड एक नंबर में थे, सुहेल महार वाला और रहीम दिशकानी वाला बकरा, हाजी फरीद अमदानी साहब वाला बकरा और जवेद अमदानी साहब वाला बकरा, इसी नस्ल के ये बकरे हम लोग लेते हैं, असल चीज़ लेते हैं और असल के पैसे यानी हम लोग लगाते हैं। इसलिए हर वीडियो में मैं कहता हूँ असल की ते नकल की पहचान करें। तो जिस भाई को भी ये बकरा ज़रूरत हो तो मेरे पास मौजूद है और दस्तयाब है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0335-677 खुर्शीद लाशारी राजनपुर। ये देखें मेरे भाई, तो मैं ये कह रहा था ये देखें इसको झालर देखें और होंठ देखें और इसके होंठ देखें जैसे गुलाब के फूल होते हैं, ये देखें आँखा सफ़ेद और दुम्ब मुलायम जान रेशम की तरह, ये चलता फिरता और भागता हुआ ये चीज़ है। मेरे सौदा लेना ना लेना
वो तो किस्मत की बात है और नसीबों की बात है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, दोस्तों अजीज़ों में शेयर लाजमी करना। आखिर में मैं यही कहता रहता हूँ, मेरी मेहनत का मेरे को सिला लाजमी देना। तो रिवन सिंह ये देखें माशाल्लाह, जिसके नसीब में होगा ये उसी को मिलेगा। और तवला सिंह, तो मेरे प्यारे भाई, जो भाई सबसे पहले कार करेगा और टोकन लगवाएगा बकरा उसी को मिलेगा। ओके, ये चीज आप चलता फिरता भागता हुआ देख लें, और लेंथ और जान और झालर खुद देख लें, कान खुद देख लें मेरे भाई। तो एक बात आखिर में लाजमी कहूँगा, सौदा लें ना लें वो किस्मत की बात है और नसीबों की बात है। तो मेरी मेहनत होती है एक आपका लाइक, एक लाइक आपका कतरे कतरे से दरिया बनता है। जो आप एक लाइक देंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा, आपको शौक़ के जानवर दिखाता हूँ और शौक़ लगवाता हूँ। तो मेरा शौक़ बढ़ता है लाइक से। जो गैरतमंद है और मुसलमान किसी मुसलमान वास्ते यानी फ़ायदा करता है और फ़ायदा पहुँचाता है, अल्लाह ताला का फरमान है मैं उसी मुसलमान को फ़ायदा देता हूँ। तो जो मुसलमान मुसलमान का एहतराम करता है और यानी ये समझ लें किसी के लिए यानी मोहब्बत करता है, किसी की रोज़ी रोटी में वो राज़ी रहता है, तो उस पर अल्लाह राज़ी होता है। तो मेरे प्यारे भाई, आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही अपील करूँगा। तो सौदा मेरे से लें या ना लें, असल की ते नकल की पहचान लाजमी करें। तो मेरी मेहनत का मेरे को सिला लाजमी दें। तमाम भाइयों से दोस्तों से इस टाइम इजाज़त चाहूँगा। तमाम मेरे भाई दोस्त अहबाब जहाँ जहाँ भी रहते हैं, देश रहते हैं परदेश रहते हैं, सब को खुर्शीद लाशारी से सलाम, अस्सलाम वालेकुम।